नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। शिक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के अंदर पीटीआई भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं। पीटीआई भर्ती उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य को नोटिस भी दे दिया है। उच्च न्यायालय ने शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 में कथित अनियमितता के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायालय ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक शिक्षा सचिव के साथ सचिव राजस्थान मंत्रालय एवं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड सहित अन्य को नोटिस जारी करने के साथ ही सभी नियुक्तियों को याचिका के आदेश के अधीन रखा है। याचिकाताओं के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा है कि शारीरिक शिक्षक के लिए बीपीएड की डिग्री होना चाहिए, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है उनके पास विधिवत मान्यता प्राप्त संस्थाई डिग्री नहीं है। इसी वजह से शारीरिक शिक्षा ग्रेड थर्ड पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने भी निदेशक माध्यमिक शिक्षा के से मामले स्पष्टीकरण भी मांगा है। इसी वजह से योग्य उम्मीदवार का चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। इसी के साथ पूर्व सैनिक श्रेणी के शारीरिक शिक्षक बनने की योग्यता नहीं रखने वालों को भी चयन किया गया है। ये थी महत्वपूर्ण न्यूज़। और कोई न्यूज़ होगी तो हम इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से देखें। धन्यवाद।